है खास हर अंदाज। आज तुम्हें ये सिखाते हैं कि खुद को बदलते कैसे हैं। Perfect. मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूँ कि कैसे बेला आपके किए की पूरी कीमत चुकाती है। बेला अब तेरी पत्नी है, तेरी जायदाद, कोई माने या ना माने, लेकिन उस पर अब सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। बेला ये कोई शादी थोड़ी ना हुई, मर्जी की तो छोड़, तू तो होश में भी नहीं थी। मैं इस तरह से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ रंगीला। एक बात ध्यान से सुनो, शादी से पहले एक लड़की पर पूरा हक उसके परिवार का होता है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ उसके पति का। मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूँ कि कैसे बेला आपके किए की पूरी कीमत चुकाती है। बेला अब तेरी पत्नी है, तेरी जायदाद, कोई माने या ना माने, लेकिन उस पर अब सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। बेला ये कोई शादी थोड़ी ना हुई, मर्जी की तो छोड़, तू तो होश में भी नहीं थी। मैं इस तरह से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ रंगीला। एक बात ध्यान से सुनो, शादी से पहले एक लड़की पर पूरा हक उसके परिवार का होता है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ उसके पति का। आज मैंने अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया, सबने बहुत तारीफ की, बस आप ही बाकी हो। तुम तो बहुत कमाल का बना लेती हो। अब लाइए मेरा गिफ्ट। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट सोच के रखा हुआ है। आप हमेशा से इस परिवार की खास रही हो और खास काम खास लोगों को ही सौंपे जाते हैं। बस इतना याद रखिए, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए और इस काम की पूरी कीमत मिलेगी आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पवित्र है या नहीं। विदिता, ये कस्तूरी है, पुष्कर की दाइमा है। खम्मा घनी बोलू बिंदनी सा। सबकी ना अच्छे से मालिश करना, सबसे पहले तो मेरी ही मालिश करना। सबसे पहले उसका नंबर आना चाहिए जिसके लिए चीज नहीं, जिसको कस्तूरी काकी के कला का अंदाजा ही ना। मुझे नहीं करवानी मालिश। आपकी बीवी ने तो सारा खेल ही पटक दिया, हाथ तक नहीं लगाने देगी तो काम कैसे होगा। आई थिंक आज रात आपको यहीं रुक जाना चाहिए कस्तूरी काकी। तब तक मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, किसी भी तरह विदिता को तैयार करता हूँ। तो तुम मुझे मनाना चाहती हो? हाँ। कैसे? वो अधूरापन पूरा करके जो हमारे रिश्ते में है। एक बात बताओ, सुहागरात के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो? कल कस्तूरी काकी खास तुम्हारे लिए एक आयुर्वेदिक मसाज का इंतजाम करेंगी। बस कुछ ही देर मेरे और विदिता के रिश्ते का फैसला हो जाएगा। इस घुटन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा कि वाकई विदिता पवित्र है। आप तो ऐसे हिचकिचा रही हो जैसे सुहागरात की सेज पर बैठी हो। मैंने कहा शर्म और संकोच को परे रख दो आज। कम ऑन कस्तूरी काकी, जल्दी। नहीं। कभी ऑरेंज मॉकटेल को कॉकटेल बनाया है? हो जाएगा हुकुम मैम, ये आपके लिए। आज ना आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। भाभी जी आओ सेल्फी लेते हैं, आ जाओ। बड़ा शौक है ना तुझे सेल्फी लेने का, वो भी मेरी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के। घर की साले चाटू मत। हेलो रिसेप्शन, मेरी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, आप प्लीज एक डॉक्टर भेज सकते हैं? जी प्लीज, जल्दी। और हाँ, डॉक्टर फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। कस्तूरी काकी का प्लान तो तुमने फेल कर दिया, लेकिन इस डॉक्टर को ना कैसे बोलोगी? सॉरी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम होटल में ही रुकेंगे। होटल में स्टे करने का क्या मीनिंग? तेरे संग यारा रंग बहारा। विदिता ने ड्रिंकिंग कर रखी है। आप प्लीज ये बात मॉम को मत बताना। विदिता क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? घबराने की तो बात है, होटल में क्या हुआ था आप तो जानते हो ना। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, कोई जानते नहीं है, लेकिन मेरे मन में तो चोर है ना। इन सबको क्या बताएंगे कल हम रात भर होटल में क्यों रुके थे। रिलैक्स विदिता, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। हमारी नई नई शादी हुई है, सब समझते हैं। आ जाओ। वेलकम विदिता, वेलकम। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से तुमने इस हाउस में एंट्री ली है ना, तब से इस घर में सबको सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुमने सरप्राइज देने का ठेका ले रखा हो। ओह, तो अब बात समझ में आई। रेस्टोरेंट में पुष्कर के लिए कैंडल लाइट डिनर रखने का यही राज था ना, क्योंकि जो चीज तुम यहाँ नहीं कर सकती वो तुम वहां जाके करो। बोलो, क्या क्या नहीं कर सकती मामी जी? ओ माय गॉड, कितनी औसम एक्टिंग करती हो तुम विदिता। देख लो जीजी, आपकी बहू रानी को ये तो ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे शरीफ बन रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट में मैंने जाके शराब पिया हो, है ना? कल विदिता का पहला करवा चौथ है, मैं सोच रहा हूँ उसे शॉपिंग पे ले जाता हूँ। शाम को मेहंदी वाली आ रही है, उससे पहले लौट आएंगे। ठीक है। बदले मुझे दो ऐसे आदमी चाहिए जो मोटरसाइकिल के खिलाड़ी हों। मैं चाहता हूँ कि जब विदिता शॉपिंग कर रही हो, दोनों बाइक वाले विदिता को ठोक दें। कहाँ रह गए पुष्कर जी? आज मैं तुम्हारा सच जान के ही रहूँगा विदिता, कि तुम वाकई पवित्र हो या नहीं। इस घर से जा रही हूं मैं, लेकिन जब तक अपनी पवित्रता और सच्चाई साबित नहीं कर देती तब तक हार नहीं मानूंगी। ये सिद्धि विनायक कुंद्रा का वादा है आप सबसे। निधन होगा नादी निधान, आज तू भगवान कंस के हाथों मरेगा। स्वयं को शाश्वत मानने वाले आज सदा सदा के लिए तू मिट जाएगा। आक्रामक, अविजयी, आक्रोशित और रक्त स्नान की मंशा लिए महासुर महिषासुर रूपी कंस हत्या करता है राधे कृष्ण की। वो मुझे बहुत पसंद है माँ, जब भी मैं उनके पास होता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ। कुछ तो बात है अग्नि जी में। लेकिन ये बात भी सच है माँ, आपकी मर्जी के बिना ये खुशी मेरे किसी काम की नहीं। I love you। देखिए, हम आपकी और हमारी फ्रेंडशिप का जो रिश्ता है ना, उसको हमने दिल से मंजूर किया है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये प्यार, ये मोहब्बत, ये ना कह सकती आप मुझे। वो तो आपका हक है, और मैं आपका हक आपसे नहीं छीन सकता। कि मैंने रूम को सजाया, बलून्स लगाए, प्रोजेक्टर लगाया और आपको प्रपोज किया। क्या हुआ? कहाँ चिखिया रहे हो? मोटी माँ, पिताजी ठीक हो गए। क्या? What? आ गए तुम।